जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जांजगीर जिला के पामगढ़ में बिजली विभाग ने खंभे से लगे मुख्य तार को काटकर ले गए, जिसके वजह से ग्रामीणों को पिछले चार दिनों से अंधेरे में गुजारा करना पड़ रहा है। किससे निशाचार जीवों का खतरा बना हुआ है, इसे लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। मामला ग्राम पंचायत दुड़गा का है। ग्रामीणों ने बताया कि चार दिन पूर्व आंधी तूफान आया था, जिससे एक पेड़ उखड़कर खंभे के तार पर गिर गया, जिसकी सूचना बिजली विभाग को दी गई। बिजली विभाग के कर्मचारी पहुंचे और तार को काट कर ले गए, तब से उसे वापस दुरुस्त करने नहीं पहुंचे, जिससे गांव में अंधेरा छा गया है। रात को लोग काफी डरे हुए महसूस कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि बरसात होने की वजह से कई प्रकार के जीव आते रहते हैं। एक किसान के घर में रात में बिच्छू आ गया था, समय रहते उसे मार दिया गया, वरना बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था। इस बात को लेकर सरपंच भी काफी रोष व्यक्त किया है। उन्होंने बताया है कि बिजली विभाग लापरवाही पूर्वक काम कर रही है, इन ग्रामीणों का बिल बकाया है और नहीं और कोई समस्या है, जिसके बावजूद भी तार को लगाने के बजाय उसको काट कर ले गए, वापस इधर की रुख नहीं किया, जिससे इन लोगों को पिछले चार दिनों से अंधेरे में रात गुजारना पड़ रहा है। जांजगीर चांपा से भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जी बताएंगे सर। यहाँ ग्राम पंचायत डुड़गा का मामला है। यहाँ पे चार पांच घर है और यहाँ पे मेन केबल लगा था जो थ्री फेस का, आप देख सकते हो खंभा में। ये थ्री फेस के पूरे केबल को ही निकाल के बिजली विभाग के अधिकारी लोग ले गए हैं और ये लोग बेचारे गरीब लोग अंधेरे में रह रहे हैं। पानी झक कर के दिन है, छोटे छोटे बाल बच्चा है, कल ही उसके घर में बिच्छू निकल गया था अंधेरे के वजह से। तो ऐसे ऐसे तो ये बिजली विभाग के लोग अपने मनमानी ढंग से काम कर रहे हैं। कुछ भी केबल को निकालता है तब उसके लिए आदेश का जरूरत पड़ता है, तो लोग बिना आदेश के थ्री फेस की केबल को निकाला है। मान लो लोग बिजली बिल नहीं पटा रहा होगा, जो भी मामला होगा उसके घर का उन लोग के नाम से नोटिस जारी करता कि भाई आप लोग बिजली बिल नहीं पटा रहे हो, इसके वजह से नोटिस आया है, तो उसके घर के केबल को काटता। ये लोग तो बिल्कुल खंभे से थ्री फेस का केबल को निकाल के ले गया है, ना ग्राम पंचायत को पता है ना कुछ भी नहीं। जब पेड़ पौधे गिरे थे तो हम लोग जनप्रतिनिधि होते हैं, उसको हम लोग कटवाए हैं, तो उन लोग का तो भी फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि हो एक बार पूछ ले, उसके बाद कार्य करें। और जिसके लिए हमने शिकायत किया था जो नल जल योजना से, एक यहाँ पे टंकी बना हुआ है, वहाँ पे ठेकेदार को ने बोला कि यहाँ पे कनेक्शन लगाना है, तो मैंने बोला कि वहाँ पे मीटर लगा दो, मीटर लगा के फिर कनेक्शन ले लो। उसने मीटर भी नहीं लगाया, उसके लिए मैंने कंप्लेंट किया था बिजली ऑफिस में लिखित के साथ में ग्राम पंचायत के द्वारा, उसका भी कार्रवाई ये लोग ने किया। थ्री फेज का केबल वो लगाया हुआ है मोटर में, अभी भी वो पाँच छः महीने हो गए चला रहा है वैसे ही, उसके जांच के लिए इन लोग बैठे हुए हैं, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों के लिए यहाँ पे आकर पूरा अंधेरे में रह रहा है, उसके लिए थ्री फेज के केबल को ही निकाल के ले गया, उसके ठेकेदार से वो लोग मिली भगत चल रहा है, तभी तो इतना दिन से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ना। इसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा और गरीब लोगों के लिए केबल को नहीं लगाएगा, तो ये शिकायत मैं कलेक्टर तक करूँगा। शिव कुमार दुर्गा में लाइन के है साहब, हम लाइट तो हवा पानी करी ना तो रुख गिर गए, तो ऐसे लाइन मेन मंत्री है हमारा पते नहीं है, कनेक्शन पूरा तारे ले गए। अब बोल बना दो कहा था नहरी बिछरी के, आजकल के दिन लोग ले कर नान नान गरीब आदमी हैं और नान नान लोग ले कहे छः मरा था ना, चारे पांच घर के लोग काट के ले गए हैं। का नाम है आपके? मोर समारू लाल। कहाँ रहता? दुर्गा में। का परेशानी आगे? हमारा परेशानी है बिजली के साहब। कैसे? और पेड़ है हवा पानी करी ना तो पेड़ है ढलेंगे, तो पेड़ में तार है ऐसे बोधिस ना तो उमा के तार लेना वो मन लाइन मैन मन निकाल के ले गए मेन केबल ला। हमन अंधियार महन हमन है परेशानी बहुत अकन साहेब, छः मर अथन अहरू बिछरू नान नान बाल बच्चा है, सांप बिछी के देखत तो हवा।